हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एटमिक्स में। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि रॉटवालर की केयर कैसे करते हैं। दोस्तों बहुत दिनों से मुझे व्यूअर के कमेंट आ रहे थे कि रॉटवालर के ऊपर एक वीडियो बनाओ, उसकी केयर कैसे करें उस पर वीडियो बनाओ। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। और दोस्तों आप ये वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको जैसे पता है रॉटवालर एक एक्टिव एंड मस्कुलर डॉग है और उसकी एक अलग ही पर्सनालिटी है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, आप जहाँ से भी रॉटवालर खरीदे और जिससे भी खरीदे आपको उस पर पूरा भरोसा होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको मिक्स ब्रीड भी दे सकते हैं और यहाँ पे लोकल डॉग भी दे सकते हैं। आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, कोई भी आप जिसे पहचानते हो या आपके फ्रेंड ने कहीं से डॉग लिया हो, ऐसे ब्रीडर से आप डॉग लें जिस पर आपको पूरा भरोसा हो। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है दोस्तों, आप जहाँ से भी डॉग लें डॉग के मदर और फादर को ज़रूर देख लीजिए कि वो हेल्दी है कि नहीं, उन्हें कोई डिजीज़ तो नहीं है, और आप डॉग का सर्टिफिकेट भी ले। दोस्तों ब्रीडर के पास काफ़ी सारे पपीज़ होंगे, आप हर एक पपी को चेक कीजिए कि कौन सा ज़्यादा हेल्दी और फिट है, आप एक हेल्दी और फिट डॉग को ही चूज़ कीजिए। दोस्तों थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखना है कि आपके डॉग को कब एडॉप्ट करना है। दोस्तों कई ऐसे लोग होते हैं जो डॉग को 25 डेज ही हो जाने के बाद ही ले आते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, आपको डॉग को कम से कम 30 दिन के बाद ही लाना है। ये इसलिए दोस्तों क्योंकि डॉग को अपने मदर्स मिल्क की ज़रूरत होती है, अगर वो अपनी माँ का दूध नहीं पिएगा तो आगे जाके उसको डिजीज़ और वो बीमार भी पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि उसको जब वो एक महीने का हो जाए तभी आपको उसको घर लाना है, और घर लाने के बाद उसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना है, यानी कि वो आपके साथ पूरी तरह से सोशलाइज हो जाए। दोस्तों चौथी बात जो आपको याद रखनी है, आपको डॉग जब घर ले आते हैं उसके 5 दिन के बाद उसका वैक्सीनेशन और डीवॉर्मिंग के साथ साथ उसको रैबिस का टीका भी करा ले। इससे ये होगा कि आपके डॉग की जो आधी लाइफ सेविंग है इससे बच जाएगी और आगे चल के उसको कोई डिजीज़ नहीं होगी, और ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। पाँचवीं बात जो आपको याद रखनी है दोस्तों, आपके डॉग को आप रोज़ कम से कम तक 30 मिनट तक उसको बाहर घुमाने यानी वॉकिंग करने ले जाए और एक्सरसाइज भी कराए। इससे ये होगा कि आपका डॉग वेट जल्दी से जल्दी गेन नहीं करेगा और फिट रहेगा। अगर वो कम खाता हो तो इसके कारण उसको भूख भी लगेगी। और दोस्तों आप उसे टॉय भी दे सकते हैं जिसके साथ वो खेलते खेलते उसकी एक्सरसाइज भी हो जाए। तो दोस्तों जो हमारा 6th पॉइंट है, इनकी ग्रूमिंग। दोस्तों ये अच्छी बात है कि इनका कोट होता है जो शॉर्ट होता है, इसके कारण इनकी ग्रूमिंग होती है जो बहुत ईजी हो जाती है। दोस्तों आप कम से कम हफ्ते में 2 या 3 बार इनकी ग्रूमिंग यानी कंघी ज़रूर कीजिएगा। इससे ये होगा कि इनके बाल ज़्यादा झड़ते होंगे तो कम हो जाएंगे और इनके जो कोट है वो शाइनी लगेगा, और साथ साथ में उनके पंजे भी साफ कर लीजिएगा। दोस्तों 7th पॉइंट जो आपको याद रखना है, आपके डॉग के आप कान साफ कर लीजिए, दांत साफ कर लीजिए और नाखून भी काट लीजिए। इससे ये होगा कि आपका डॉग क्लीन और ब्यूटीफुल लगेगा। दोस्तों जो 8th पॉइंट आपको याद रखना है, आपका डॉग सुंदर दिखना चाहिए। आप दोस्तों हफ्ते में कम से कम उसकी एक बार बात ज़रूर करें, और दोस्तों आप ह्यूमन प्रोडक्ट्स बिल्कुल यूज़ ना करें, और दोस्तों अगर आप ह्यूमन प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसको स्किन की डिजीज़ हो सकती है और उसका जो ऑयली कोट है उसकी शाइन कम हो सकती है। दोस्तों जो 9th पॉइंट है वो है आपके डॉग का फूड। आपके डॉग को जो फूड है वो न्यूट्रिशन से भरा होना चाहिए, यानी कि उसके फूड में फुल न्यूट्रिशन होना चाहिए जिससे कि वो हेल्दी रहे। आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि मेरे रॉटवाइलर के लिए बेस्ट फूड कौन सा रहेगा, और आप चाहे तो मल्टी विटामिन वाले बोन्स आते हैं वो आप उसे खिला सकते हैं। तो दोस्तों जो 11th पॉइंट है हमारा वो है वेट। दोस्तों कई लोग क्या होते हैं अपने डॉग को ज़्यादा ही खाना दे देते हैं यानी ओवर फीड करते हैं, तो आपका एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसे ओवरफीड ना करें, इसके कारण वो वेट गेन कर सकता है और इसके कारण उसको कहीं डिजीज़ भी हो सकती है। तो दोस्तों जो अगला पॉइंट है हमारा वो है डिसिप्लिन। दोस्तों डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है डॉग के लिए। आप उसका खाने का, घूमने का और पोटी का और ट्रेनिंग का, इनका एक टाइम टेबल बना लीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका डॉग को पता चलेगा कि कब उसे पोटी करनी है, कब घूमने जाना है और कब एक्सरसाइज करनी है, और आपकी बात भी वो मानने लगेगा। तो
तो ध्यान रखिएगा, उसका एक टाइम टेबल भी सेट कर दीजिएगा। दोस्तों जो अगला पॉइंट है हमारा वो है सोशलाइज। दोस्तों आप जैसे जानते हैं रॉटवाइलर का नेचर एग्रेसिव होता है, तो उसको आपको सोशलाइज करना बहुत ज़रूरी है। और ध्यान रखिए दोस्तों, आपके दोस्त के साथ और अगर उसके पास कोई डॉग हो तो उसको सोशलाइज ज़रूर करें, जिससे कि वो एग्रेसिव ना बने और फ्रेंडली डॉग रहे और खुश भी रहे। दोस्तों जो अगला पॉइंट है हमारा वो है हेल्थ। दोस्तों आपकी डॉग की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आप एक पर्सनल डॉक्टर ज़रूर रखें, जिससे कि उसको पता चल सके कि आपकी डॉग की कंडीशन कैसी है। दोस्तों कई लोग होते हैं जो अलग अलग डॉक्टर रखते हैं, मतलब कि एक हफ्ते के लिए ये डॉक्टर तो दूसरे हफ्ते के लिए वो, तो ऐसा ना करें आप। आप एक ही डॉक्टर रखें, जिससे कि आपको पता चलता रहे और डॉक्टर को भी पता रहे कि इसकी हेल्थ कैसी थी और कैसी है, उस हिसाब से उसका इलाज जल्दी हो सकेगा। तो दोस्तों जो अगला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रेनिंग। दोस्तों आपके डॉग को आप घर पे ही ट्रेनिंग देना स्टार्ट कीजिए, वरना बड़े हो के वो आपकी बात नहीं मानेगा। कॉमन कमांड से चालू कीजिए, जैसे कि सिट, शेक हैंड, हाई फाई, ऐसे कमांड से आप उसको ट्रेनिंग देना स्टार्ट कीजिए। ट्रेनिंग देने से आपका डॉग आपकी बात भी मानेगा और डिसिप्लिन में भी रहेगा। दोस्तों ये थी हमारी वीडियो हाउ टू केयर रॉटवाइलर। दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। दोस्तों आप सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है और मुझे और नई वीडियो बनाने की इंस्पिरेशन मिलेगी, और आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसे ही नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।